मैं मुकेश, मैं अभी अब अम्मा डी गांव में हूँ। और यहाँ पे जैसा कि जानकारी मिला, जो आज करीब दोपहर में 3:30-4 के आसपास एक व्यक्ति जो कि अम्मा डी में है, वहाँ पे मछली पकड़ने के लिए अपने निजी नाव से नदी में निकला। जो कि यहाँ पे नदी काफ़ी गहरा भी नहीं दिख पड़ रहा, फिर भी नदी में निकले। और उसके बाद नदी का संतुलन बिगड़ जाने के वजह से वो पानी में गिर गए। गिरने के बाद वो डूब गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से काफ़ी खोजबीन भी की गई, साथ साथ स्थानीय प्रशासन को भी इसकी सूचना दी गई। और स्थानीय प्रशासन के द्वारा लगभग 7 बजे शाम में एक गश्ती गाड़ी आई यहाँ के मुआयना करके और चले गए हैं। आइए देखते हैं जो यहाँ के ग्रामीण जो हैं सो अभी क्या कह रहे हैं। आइए, क्या नाम हुआ आपका? थोड़ा वीरेंद्र सोन। जोर से बोलिए। वीरेंद्र सोन। बताइए क्या घटना हुआ यहाँ पे? घटना हुआ, जो नाव से गया था, कौन गया था? वो मछली मारने के लिए गया था, उसका नाम है लुक्खा सोन। और उधर से जब वो नहीं आए, नाव भासते आए, और जब पता चला जो वो वहीं गिरा, तो उसको तैरने नहीं आता था, तो वहीं पे वहाँ यहाँ से कुछ दूर मोइन है, तो उसमें ज़्यादा बहुत इससे भी ज़्यादा पानी, अभी देखे उससे भी ज़्यादा पानी, तो वहीं में गिर गया। बहुत खोज भी नहीं, हम लोग भी बहुत खोजे हेल उल का, तो नहीं मिला। तो ये लगभग कितने बजे घटना है? ये घटना हुआ, गया था 8-9 बजे तक यहाँ से, ये घाट पता चला यानी है तीन 8 बजे, को 8 बजे सुबह में, यहाँ से गया था, और नहीं आया है क्या, तो चार पता चला है चार बजे पाँच का बजे तक। 4 बजे आपके कहने का मतलब दिन में 8 बजे वो निकले अपने नाव से, नाव उनका अपना था, मछली अपना मारने के अपना लिए। नाव, तो हाँ, नाव लेके निकले वो मछली पकड़ने के लिए। और जब शाम में 4 बजे तक नहीं आए तो आप लोगों को पता चल खोजबीन हुए, ऐसे खोज ही हुए। भी नहीं, तो इसमें जो है, नहीं। इसमें प्रशासन को सूचना दिया गया? जी सर, हाँ दिया गया, जी जी दिया गया था जी जी। प्रशासन को, हाँ, प्रशासन को सूचना दिया गया था। जी, हाँ, उतना समय से नहीं आया, लेकिन 2-3 घंटा लेट आकर के वो जो है से मतलब कौन चले से, गए। कौन से थाना से आया? ये बहादुरपुर थाना से था सर। बहादुरपुर थाना जी से। जी लगभग जी कितने बजे आए होंगे? 7 बजे आया है, 7 बजे में। सात और बजे आया सूचना कितने बजे दी गई होगी? सूचना उनको 3:30 बजे में दिया गया। सूचना जी 3:30 बजे जी और आए 7 बजे। जी जी तो वो आने के बाद क्या सब किया? वो अपना छानबीन जो है से मतलब बोला, फिर सुबह आ करके देखेंगे, लेकिन ग्रामीण लोग अपना खोजिए, जैसे है वो अपना खोजबीन खोज में लगे हुए लगे हैं। हुए। कहने का मतलब घटना हुई है 4 बजे और प्रशासन को भी। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के सिनवाड़ा पंचायत के अम्मा डी में बड़ी घटना, आसपास के पूरे गांव में मातम पसर गया। कहा जाता है कि लखी सहनी नामक एक युवक जो खाना खाने के बाद मछली मारने के लिए अपने निजी नाव से नदी में गया था, लेकिन नदी की तेज धारा में संतुलन बिगड़ने से वो गिर गया। कहा जाता है कि उसे तैरना भी नहीं आता था। उसकी मौत को लेकर के पूरे गांव में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल बहादुरपुर थाना और बिशनपुर थाना को सूचना दी, लेकिन बाद में बहादुरपुर थाना वहां पहुंचकर वापस लौट गई। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से शव को ढूंढने का प्रयास बार बार किया जा रहा है। ठंड और तेज धार की वजह से लोगों को उस रास्ते से गुजरना और रात में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की मदद से शव ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। इन लोगों ने कहा कि प्रशासन के तरफ से किसी भी तरह की सहायता नहीं मिली, ना गोताखोर बुलाए गए हैं। लोग अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं शव को ढूंढने। घटना की सूचना मिलते ही बिहार मिथिला न्यूज़ टीम पहुंची देर रात अम्माडी। 11 बजे तक शव को ढूंढने का प्रयास कर रहे ग्रामीणों के प्रोत्साहित करते हुए बिहार मिथिला न्यूज़ टीम ने लगातार प्रशासन से भी संपर्क किया। यहां तक कि बिशनपुर के सीओ को सूचना दी गई, लेकिन उनके तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। ग्रामीणों का कहना था कि प्रशासनिक कोई मदद नहीं मिलने से शव को ढूंढने मुश्किल हो रही है। 11 बजे रात तक शव को नहीं ढूंढा जा पाया। तो मतलब कि घटना होने की कितनी देर के बाद पुलिस आए थे? घटना 3 बजे के लपेट भेलै, 7 बजे के लपेट पुलिस। मतलब घटना 3 बजे हुआ जी, और जी, सात जी, बजे के लपेट में पुलिस जी आई। जी जी तो सूचना दिया गया था कि नहीं उसी टाइम? हाँ, सूचना दिया गया था। सूचना दिया गया था जी जी ठीक है। वहीं पे वहाँ यहाँ से कुछ दूर मोइन है,
तो उसमें ज़्यादा इससे भी ज़्यादा पानी, अभी देखे उससे भी ज़्यादा पानी, तो वही में गिर गया। बहुत खोज भी नहीं, हम लोग भी बहुत खोजे हिल उल कर, तो नहीं मिला। तो ये लगभग कितने बजे घटना है? ये घटना हुआ गया था 8-9 बजे तक यहाँ से, ये घाट पता चला है 8 बजे सुबह में यहाँ से गया था, नहीं आया है क्या तो पता चला है 4-5 बजे तक। आपके कहने का मतलब दिन में 8 बजे वो निकले अपने नाव से, नाव उनका अपना था, अपना नाव लेके निकले वो मछली पकड़ने के लिए, और जब शाम में 4 बजे तक नहीं आए तो आप लोगों को पता चल खोजबीन हुए। खोजबीन हुई, तो इसमें जो है इसमें प्रशासन को सूचना दिया गया? जी हाँ दिया गया, जी दिया गया था जी प्रशासन, हाँ प्रशासन को सूचना दिया गया था जी। हाँ उतना समय से नहीं आया, लेकिन 2-3 घंटा लेट आकर के वो जो है से मतलब कौन से थाना से आया? ये बहादुरपुर थाना से, बहादुरपुर थाना से। लगभग कितने बजे आए होंगे? ये 7 बजे आया है, 7 बजे में। और सूचना कितने बजे दी गई? सूचना उनको 3:30 बजे में दिया गया, सूचना 3:30 बजे और आए 7 बजे। तो वो आने के बाद क्या सब किया? वो अपना छानबीन जो है से मतलब बोला, फिर सुबह आकर के देखेंगे, लेकिन ग्रामीण लोग अपना जैसे है खोजबीन में लगे हुए। कहने का मतलब घटना हुई है 4 बजे और प्रशासन को भी सूचना दिया गया, जिसमें बहादुरपुर थाना के द्वारा एक गश्ती गाड़ी आई थी, वो मुआयना करके गए, जैसा कि अभी लोगों ने बताया है, जो वो सुबह 8 बजे मछली पकड़ने के लिए अपने निजी नाव से गए थे, जिसके बाद 4 बजे तक जब वो नहीं लौटे और नाव खाली था, तो खोजबीन के क्रम में वो खोजना चाहे, लेकिन पता चला जो वो डूब चुके हैं, क्योंकि आगे एक मोइन टाइप का कुछ है पानी में, जिसमें लगा जो लोगों को डूब गया, लेकिन तैर तैर के देखा गया, नहीं मिला। सबसे दुखद बात, प्रशासन को सूचना देने के बाद भी 3-4 घंटे लेट हुए प्रशासन, बहादुरपुर थाना 3-4 घंटे लेट आई। क्या कारण है जो प्रशासन लोगों की मदद नहीं कर रही है? यहाँ पे हमारी बात हनुमान नगर के CO साहब से हुआ, उन्होंने उनसे जानकारी लिए हम, और उन्होंने बताया जो प्रशासन को हमने सूचना दे दिया है बहादुरपुर थाने को, और जब सूचना प्रशासन थाने को दे दिया है तो क्यों नहीं CO साहब भी अभी तक यहाँ पे पहुँचे, क्यों नहीं यहाँ पे समय रहते हुए प्रशासन पहुंची, ताकि NDRF की टीम या बहुत सारे तरीकों से खोजबीन की जा सकती थी, जिससे बहुत सारे राहत मिल सकता था, या ऐसा भी कह सकते हैं जो अगर समय पे मिले तो इलाज भी हो सकता था। लेकिन अभी तक जैसा कि देख रहे हैं रात्रि तक अभी खोजबीन जारी है, और खोजबीन के दौरान भी अभी तक कोई बॉडी बरामद नहीं हुआ, इससे अब देखते हैं आगे क्या होता है। धन्यवाद।